आज मैं बना रही हूँ मटका कुल्फी, जो कि हम घर में आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स के भी ब्लॉग्स एंड किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं मटका कुल्फी। तो इसके लिए मैंने 3 पाव दूध लिया हुआ था। ये भैंस का दूध है, आप चाहे तो गाय का दूध भी ले सकते हैं। भैंस का दूध काफ़ी गाढ़ी होती है, तो यही मैंने लिया हुआ है। अब इस तरह से हम इन्हें पकाएंगे, कम से कम 10-15 मिनट हमें पकाने हैं, जब तक कि दूध आधी ना हो जाए। जब मैं चलाते रहेंगे तो ये फैल जाएंगे, या तो गैस का फ्लेम कम कर दें। इस तरह से अब मीठे के लिए हमें चीनी का घोल तैयार करने हैं। इसे पानी नहीं डालने है, हमें फ्राई पैन में डालने हैं। फ्राई पैन काफ़ी तेज़ गर्म हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में हम डाल देंगे इनमें शक्कर को, और इनमें 2-3 मिनट चम्मच चलाएंगे। और ये देखिए पिघलने लगी शक्कर। अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर गैस में पकाएंगे तो ये जल जाएगी। इस तरह से अब ये हमारी मेल्ट हो चुकी है और इसकी फॉर्म चेंज हो चुकी है, कलर में कितनी अच्छी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी शक्कर पूरी तरह से घुल चुकी है। तो अगले स्टेज में चलते हैं हम। तो फिर ये मिल्क पाउडर है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और 1 लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब मैंने आधी कटोरी मिल्क पाउडर लिया हुआ था। इस तरह से हम दूध में डालेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इस तरह से ये घोल अब काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है और दूध में पाउडर अच्छी तरह से घुल चुकी है। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम चम्मच चलाते रहें। अब हम डालेंगे इनमें शक्कर का घोल जो तैयार किया हुआ था। इस तरह से हम शक्कर का घोल इनमें डाल देंगे, और देखिए हमारे दूध का कलर भी चेंज हो चुकी है। इससे कुल्फी कलर काफ़ी अच्छा आएगा, और ये देखिए दूध भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए हमारा दूध काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें ठंडी होने के लिए अलग से रख देंगे। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया हुआ था, ये मैं डाल दूँगी इनमें। इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया। अब हम मटके में इन्हें डालेंगे। अब थोड़ी ठंडी हो जाने दें इन्हें, उसके बाद में डालेंगे। मेरे पास 2 मटके हैं तो मैं उन्हीं में डालूंगी, आप चाहें तो ग्लास वगैरह में भी डाल सकते हैं। इस तरह से अब ये ठंडी हो चुकी है, तो हम इनमें डाल देंगे मटके में। इस तरह से मैंने दोनों मटकों में घोल को डाल दिया है। अब एल्युमिनियम फॉइल से हम इन्हें बंद कर देंगे। अब हम डाल देंगे फ्रीजर में, कम से कम 5-6 घंटे में सेट हो जाएंगी। तो चलिए सेट हो चुकी है, तो खोलते हैं इन्हें। बहुत बढ़िया बनी है हमारी कुल्फी, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से जम गई है और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, बिल्कुल बाजार जैसी। चलिए मैं निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम घर में बना के आसानी से कुल्फी का मज़ा ले सकते हैं।